एक्सेल सीखेंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पर मैंने अपना एमएस एक्सेल ओपन कर लिया। आज हम एमएस एक्सेल के अंदर सीखेंगे फॉर्मूला ऑफ सब टोटल। सब टोटल का मीन्स क्या होता है कि जितना आपका डाटा है उसमें क्या चीज़ टोटल करनी है वो सारा टोटल कर देगा। तो चलिए आइए कैसे करेंगे, बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले आप देख रही हैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम है मेरे पास, उसकी कुछ क्वान्टिटी है, उसका रेट है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कोई नंबर डालूँ तो वो नंबर से सम हो या फिर मैक्सिमम हो या एवरेज हो, वो कैसे करेंगे कि मैंने यहाँ पर नंबर टाइप किया और उसका फॉर्मूला यहाँ मैंने डाला और रिजल्ट इसका यहाँ पर शो। तो चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं। इक्वल टू का साइन देंगे, सब टोटल के लिए एस यू बी लिखेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। डाउन एरो का यूज़ करेंगे, टैप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एम एस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होते हैं नंबर्स कि अगर आपको एवरेज निकालनी है तो वन दबाना होगा, काउंट करना है तो टू होगा, काउंट ए करना है तो थ्री होगा, फोर है तो मतलब मैक्सिमम होगा, फाइव है तो मिनिमम होगा, इस तरह से आपके पास ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर अब हम नंबर यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। अब हम चाहें तो ये सेल ले लेते हैं क्योंकि मैंने कहा कि हम नंबर टाइप करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक सेल ले लिया कि यहाँ पर मैं जो नंबर टाइप करूँ सिर्फ उसी में वो आंसर आएगा। कॉमा करेंगे, अब हम इसका क्वान्टिटी कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हैश टैग आ गया, अब मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज हो जाएगा, मीन सही है। चलिए अब नेक्स्ट भी कर लेते हैं, रेट के लिए भी फिर से इक्वल टू का साइन देंगे, सब टोटल करेंगे, टैप करेंगे। अब यहाँ पर फिर से वही ब्लैंक सेल लेंगे, कॉमा करेंगे, अगेन आप रेट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, साइज का और बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर कोई नंबर डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो फ्रूट नेम है उसकी क्वांटिटी और उसका रेट सम हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा, जैसे कि हमने पढ़ा था वन में क्या था एवरेज, देखिए जैसे मैंने वन डाला तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली इसकी सब टोटल हो गया, पूरा उसका एवरेज आ गया। इस तरह से हमने टू डाला तो यहाँ पर देखिए टू में क्या था। चलिए अब हमें यही याद है तो हम एक बार देख लेते हैं सब टोटल। अब हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं काउंट का आ गया आंसर। हम यहाँ पर चाहें तो साइड पर लिख सकते हैं कि काउंट टू के लिए, काउंट ए थ्री के लिए, फोर के लिए मैक्सिमम है, फाइव के लिए मिनिमम है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सम करना है तो 109 है और मैक्सिमम मिनिमम देखना है 104 105 है। चलिए इसको देख लेते हैं 104, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से 105, यहाँ पर देखिए आंसर आ गया। इस तरह से अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हैं यहाँ पर जो वैल्यू उसके अंदर होगी सिर्फ वो ही देगा, अगर आप चाहें कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दें तो वो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सेल में सब टोटल का बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन है। तो आपने देखा कितना ईजी था, सिर्फ आपको नंबर से पता करने के किससे क्या होगा, जैसे काउंट ए से बता देगा पाँच है, काउंट भी हमने देख लिया है दो है, इस तरह से फाइव से क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम में वो आप यहाँ पर देख सकते। तो आपने देखा कितना ईजी था कि हमें बार बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ हमें उसके नंबर से एक बार देखते होंगे कौन कौन से नंबर हैं, और अगर आपको